बागेश्वर के गरुड़ में दीपावली पर्व के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा गरुड़ बाजार में खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी विपिन कुमार द्वारा 4 सैंपल लिए गए, साथ ही नियमों के तहत व्यापार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों पर मिठाइयों के निर्माण तिथि एवं अवसान तिथि अनिवार्य रूप से अंकित करने के निर्देश भी दिए गए। जिला अभिद अधिकारी डॉक्टर प्रकाश फुलारा द्वारा व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा नियमावली की जानकारी भी दी गई। उन्होंने खाद्य पदार्थों को स्वच्छ एवं स्वस्थ स्थिति में ही विक्रय करने के निर्देश दिए, साथ ही एक्सपायर खाद्य पदार्थों को अलग से रखने के निर्देश दिए। कहा कि विभाग द्वारा समय समय पर खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाता है। टीम में अनुसेवक जीवन चंद धोनी आदि शामिल रहे। CCN न्यूज के लिए गरुड़ से अखिल जोशी की रिपोर्ट। दिवाली के पर्व को देखते हुए मिलावट के रोकथाम और व्यापारियों को और जन मनस को जागरूक करने के लिए निरीक्षण किया गया। हमारे द्वारा व्यापारियों को बताया गया था क्योंकि हमारा इंटीरियर पहाड़ का क्षेत्र है तो सब कुछ यहाँ होता नहीं है, अधिकतर चीजें बाहर से आती है, तो बेहतर यह है कि जो भी चीज बाहर से मंगाई जाए उसका पक्का बिल होने से ठीक है, और वो कभी देख के सुन के चके भौतिक परीक्षण कि माल ठीक हो तभी मंगाए, तभी उसे प्रयोग करें जिससे जनमानस को साफ और शुद्ध मिठाइयाँ और अन्य सामग्री मिल सके। इसी को लेकर आज हमने यहाँ चेकिंग करी है, अपने निर्देश दिए हैं और 4 जो मिठाई के सैंपल हैं वो भी लेकर के जाँच के लिए खाद्य विश्लेषक को भेजे जा रहे हैं।